20 तारीख को लोंगिया क्षेत्र में पार्किंग के विषय में जो विवाद हुआ, उस विवाद पर हम यहाँ पर सर्व समाज और वाल्मीकि समाज एकजुटता से यहाँ पर पुनः यहाँ पर शांतिप्रिय तरीके से ज्ञापन देना है। और जिस विषय में एक पक्ष के विरुद्ध जो SC ST की कार्रवाई हुई थी, उस पर पुलिस द्वारा या प्रशासन द्वारा यहाँ पर उस शिथिलता बरती जा रही है। हमारा ये SP साहब से आग्रह था कि उस विषय पर गंभीरता से एक्शन लेते हुए आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। दूसरा विषय ये था कि पार्किंग के विषय में जो लोंगिया क्षेत्र में जो पार्किंग है, उस पार्किंग की वजह से आए दिन वहाँ पर विवाद रहता है। उस पार्किंग को तुरंत हटाए जाने के लिए हम आग्रह करना है SP साहब को। SP साहब ने हमारा आग्रह सुना और तुरंत उस दोनों विषयों पर तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। और हम ये निवेदन करना आए कि इस पर तुरंत एक्शन हो। आपका भाई भवानी सिंह जेदिया वार्ड पार्षद। हमारे अनिल भैया के बारे में ज्ञापन दे रहे हैं, पहले हमारा SC ST वाला मुकदमा हटाया जाए और अवैध रूप से जो भी पार्किंग लगी हुई वो हटाया जाए। और हमारे को आए दिन परेशान करते ये ऑटो वाले और कमेंट पास करते औरतों को देख के दिन रात परेशान। अपनी गाड़ियाँ तो वहाँ लगा देते हैं, दूसरी जगह किराए पर वो लगाते हैं। ये पर किस तरह का प्रदर्शन किया, क्या कलेक्ट्रेट पे किस तरह का प्रदर्शन किया? सब तरह का प्रदर्शन किया हमने। SP साहब से मिले? हाँ। क्या बोला है? SP साहब ने दो दिन का टाइम दिया, पहले भी हमको दो दिन का टाइम दिया, अभी भी दो दिन का टाइम दिया। ठीक है, आपका नाम? मधुबाला भार्गव। गत दिनों दहली गेट क्षेत्र में जो हमारे दलित समाज के साथ मारपीट की गई समुदाय विशेष के द्वारा, तो उसमें हमने मुकदमा दर्ज करवाया था समाज की तरफ से SC ST का। उसमें अभी तक कोई त्वरित कार्रवाई नहीं हुई है। साथ ही वहाँ पे जो अवैध पार्किंग स्टैंड बना हुआ है, जो आए दिनों विवाद का बिंदु बनता है, उसको हटाने के लिए इन दोनों मुद्दों पे हमने SP साहब से निवेदन किया है कि इनका तुरंत निराकरण किया जाए, जिससे भविष्य में कोई परेशानी ना हो और समाज को, दलित समाज को लगे कि हाँ उन्हें भी न्याय मिल सकता है इस शासन में। चंदेश सांखला पार्षद वार्ड साहब। SP साहब ने कहा कि बिल्कुल मैं दिखाता हूँ कि इसमें कहाँ क्या कमी है और हम बिल्कुल कानून के अनुसार बिल्कुल कार्रवाई करेंगे।